ऐसे कीजिए लाइन से लग जाए चेटियों के पास। हाँ खींच दे, खींचते चले चले खींचते चले। हाँ 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 अब मर जाएंगी अपना भी, जल्दी जल्दी खींचते। ये पूरी लाइन है ना, पूरी लाइन कर दे, खींच दे। अभी गायब हो जाएंगी 2 मिनट में। भैया लास्ट तक, ये लास्ट तक कहाँ से आ रही है, बस अभी आना बंद हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। साल का पहला जुमा आप सबको मुबारक। जोर की नमाज़ पढ़ के खाना खा के मैं सो गई थी क्योंकि नींद आ रही थी बड़ी तेज़। हाँ सर, हाँ सही करा, चेंज कर लिया, गर्मी इतनी पड़ रही है। मैंने भी ये कपड़े पहने थे जुमे की नमाज़ में, तो इस कपड़ों में इतनी गर्मी लग रही है, और साथ में पहना था कुर्ता पजामा, उसको भी गर्मी लग रही थी, तो उसने क्या किया ऊपर का कुर्ता उतार के शर्ट पहन लिए। इसका बटन नहीं है बेटा, एक नहीं है, तो एक नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा ना ऐसा डोलेगा। चेंज कर, बटन टूट गया है, और मैं भी चेंज ही करने जा रही हूँ। क्या कर रहे हो फ्रेंड, एक पैंट सही है, चेंज करना है तो चेंज कर ले, क्योंकि गर्मी की वजह से ऐसा लग रहा है कि कपड़े पहन के ना, मतलब हल्के से कपड़े पहन लो। कपड़ा इतना हल्का है लेकिन पता नहीं क्या सिंथेटिक है कौन सा कपड़ा, इसलिए गर्मी लग रही है, तो इसलिए चेंज करके कॉटन पहनने जा रही हूँ। कपड़ों में भी इतने सारे नाम होते हैं जिनको याद करना भी ज़रूरी हो गया है। लाइट लाती हूँ। कॉटन कपड़ा, मिक्स कॉटन कपड़ा, सिंथेटिक कपड़ा, क्रैप कपड़ा, मलाई क्रैप, बटर क्रैप, साटन कपड़ा, और जाने कितने सारे कपड़े होते हैं सिल्क, इतने सारे कपड़ों में कपड़ों के नाम भी याद करने पड़ते हैं। तो मैं फिलहाल तो इसको चेंज करके कॉटन के कपड़े पहनने जा रही हूँ, साथ भी अपने कपड़े निकाल रहा है चेंज करने के लिए। क्या ही करें फ्रेंड, गर्मी ने मार डाला। आजा, मैं कपड़े चेंज कर लिए हैं, मैंने जिसमें मुझे आराम मिले मैंने वाला कपड़ा पहन लिया है, और मैं जैसे कपड़ा चेंज करके बाहर आई ना, मैंने बंदर फिर से नल खोल के चला गया था। ऐसा पता नहीं दिन में कितनी बार करता है फ्रेंड, तो सारा पानी वेस्ट हो जाता है। बंदर नल खोलना जानता है पर ये नहीं कर जाएगा कि जा रहा हूँ तो बंद करके चला जाऊँ, कितना भी टाइट बंद कर लूँ, बंद कर दूँ नल को कितना भी टाइट, वो खोल लेता है लेकिन ये नहीं करेगा पानी पी लिया तो बंद करके चला जाऊँ। इसलिए अब मैंने सोचा था कि मैं अभी अम्मी के घर चली जाती हूँ, बाजार चली जाती हूँ तो सारा पानी वेस्ट हो जाता है, तो फिर मैं सोच रही हूँ उसको दुपट्टे से नल को कस के बांध जाऊँ ताकि वो खोले ना। मेरे साथ पकड़ो, उसको बांध के देखती हूँ ठीक है, ऐसा लग रहा है ये भी खोल ले। उनके हाथ भी तो इतने कड़क कड़क होते हैं, ये अगर अगर इन्होंने दुपट्टा बांधा तब भी खोल लिया ना, फिर मैं नीचे भैया से कहकर ना नल को हटवा दूंगी। नहीं नहीं बेटा, फिर पानी वेस्ट होता है बेटा, ये भी गुनाह है फिर पानी वेस्ट करना। अबे अपन नहीं कर रहे, भले जानवर कर रहे हैं पर वो तो रहा है ना, अगर बंद बंद करके जा रही हो, खोल लिया भैया ने तो मुझे शट शट अप कराया। नहीं अब अंकल कर गए, अगर बंद कर फिर नहीं होगा तो बेटा कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। कभी अपन नहीं आते बाहर चले आते हैं तो फिर इसको ऐसे बांध रही हूँ, बंद खोल लेना। बंदर वैसे से खींच लेगा ना, एकदम टाइट बांधो, बांधो तो टाइट ही है, लेकिन उनके हाथ भी तो ऐसे होते हैं ना हथौड़ा। ये फाड़ देंगे वो है? फाड़ देंगे, देखते हैं क्या करेंगे वो, फिर अगर ये इसके बाद भी कर देंगे फिर भैया से कहिए नल हटवा दूंगी, इसको से ढक देती हूं ठीक है। चलो बार सीढ़ियाँ अगर मैं दिन में 2-3 बार उतरूँ ना, ये सीढ़ियाँ कितनी हैं मुझे नहीं पता, पर आज मैं सीढ़ियाँ गिनूंगी, 7 रुपये दोनों गिनेंगे, देखते हैं किसकी सही सीढ़ियाँ, उतर मन में गिनी हो वरना फिर मैं भी काउंट करूंगी। तो मुझे लगता है कभी कभी मेरे पतले होने में ना सीढ़ियों का बड़ा हाथ है, क्योंकि ऐसे कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ऐसे बूंद बूंद से मेरा पेट भी घटता है। किसको, हाँ इसको भी गिनेंगे, ये भी तो सीढ़ी है, तो है ना ऐसे, मतलब मुझे लगता है रोज अगर मैं 2-4 चक्कर नीचे ऊपर कर देती हूँ तो 50 ग्राम वेट भी मेरा कम हो जाए ना, ये बहुत बड़ी बात है। चलो आज सीढ़ियाँ गिनते हैं, यहाँ से गिनूंगी स्टार्ट, पहले सीढ़ी की वाली है। हाँ। ये भी पहली अपन खड़े खड़े ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गई, अंधेरा हो गया, लाइट नहीं है इधर, 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 सीढ़ियाँ हम लोग दिन में मैं 2-3 बार चढ़ते उतरते हैं, तो मेरा अंदाज़ा सही है कि मेरा अगर 50-50 ग्राम भी अगर वजन कम हो जाता होगा सीढ़ियों की बदौलत, तो भी बहुत बड़ी बात है। जैसे मैंने कहा बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और मेरा बूंद बूंद से घड़ा कम होता है।
सही बात है ना, मतलब अगर 9 चक्कर मारे तो 64 ही चढ़ेंगे। हाँ देख ले, अभी कभी कभी तो 4-5 चक्कर हो जाते हैं। मस्ती सज गई है, ऊपर झालर देखो, रात में दिखाऊंगी, जब रात में लाइट लग जाएंगी ना, तब चमकेंगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम साहिबा, मैं शरबत बना रही हूँ। अब मैं आती हूँ तो अम्मी को याद आया था, शरबत बना ले जल्दी से। दारू हमसे दे साहिबा, दो हमसे दे दे, पहले शक्कर भूल गई, बर्फ डालो भाई, बर्फ वाला ठंडा सा शरबत बनाते हैं। चलो शरबत बन गया, रूह अफजा का बच्चों को बांट देते हैं ठंडा ठंडा। आज तो बर्फ डाली है इसके अंदर मैंने। हाँ बच्चे आए गए, चलो शरबत पियो, पहले पहली लड़की शरबत पी रही है, पी ले। बच्चों को बुला ले साहिबा, बुला के ला, बैठ के पीते हैं। अच्छा इसको दे दे, इसको दे दे, गिरे नहीं, गिरे नहीं, हिला मत, हिला मत, दे दे। ऐसा होता है एक जग शरबत भी ना मुश्किल से बढ़ता है, इसलिए हम लोग कम बनाते हैं। बच्चों को शरबत पी पी कर ना पेट भर गया और जी भी भर गया उनका, बच्चे कहाँ से लाऊं मैं। हाँ जो बच्चे मारे, अरे बच्चे इधर खेल रहे हैं। ना एक जग खत्म करा, बच्चे ही नहीं है। असल में क्या होता है बच्चे शरबत ज़्यादा बढ़ता है तो बच्चों का जी भर जाता है, क्या करें बच्चे भी। अभी बिरयानी बांट दो, बिरयानी कोरमा रोटी, इतने सारे बच्चे आ जाएंगे आपके घर पर, कितना भी खाना हो कम पड़ जाएगा। यहाँ पर साहिबा अपना चेहरा छुपा रही है क्योंकि साहिबा ने अपने बाल कटवा लिए हैं, वो टकली हो गई है और वो मुझसे कह रही बाजी मैं अच्छी नहीं लग रही थी। मैं उसको बोल रही थी नहीं तो तेरे बाल नहीं है तो क्या होगा, पर तू तो अच्छी है, तो मैं उसको यही बोल रही थी तेरे बालों से कोई मतलब नहीं है, मजबूरी थी ना तेरे बालों में, सर में इतने सारे दाने हो गए थे तो जिनको कि टकला कराना तेरे को ज़रूरी था, और इससे कोई तेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, तू प्यारी है, प्यारी ही रहेगी, तू इतनी अच्छी है। मगरिब की नमाज मेरी हो गई है, मम्मी आज मैं दोपहर में लेटी थी ना, लेटे लेटे मुझे बात याद आई कोरोना के टाइम की। अब माइंड है दिमाग कहीं भी चले जाता है, मैं कहने लगी अम्मी जब कोरोना हुआ था है तो लोगों को तो वो मास्क बांट दिए थे एक दूसरे से, मतलब सांस के जरिए वो फैल रही थी बीमारी, फैल रही थी, जानवरों को क्यों नहीं फैली, कुत्तों पे कुत्तों की क्षमता तो ना इंसानों से ज़्यादा होती है सूंघने की, है ना, तो कुत्तों ने मास्क लगाया ना कुत्तों को इंजेक्शन लगे, कुत्ते मतलब और बिल्ली जानवर जो भी थे घरों में पलते थे, नहीं तो क्यों एक दूसरे से। नहीं नहीं अम्मी जब जब हमारे घर में जानवर पल रहे हैं, चाहे बकरा बकरी पल रहे हैं, चाहे कुत्ते बिल्ली पलते हैं, लोग पालते हैं, जब लोगों को कोरोना हो रहा था तो जानवरों में क्यों फैलना चाहिए ना, सांस के जरिए हमारी बीमारी इसमें भी जाती थी ना। मुझे ऐसा लगा, पता नहीं कि मेरे सवाल अटपटा लग रहा हो शायद आपको, पर मैं दिमाग को लिटिल लिटिल सोची, मैं एक भी बल्कि कुत्तों को बल्कि कोई वैक्सीन नहीं निकली है ना, बिल्लियों के लिए वैक्सीन निकली है, लोगों के घरों में भैंस भी नहीं, कुत्तों की क्षमता ज़्यादा होती है इंसानों से सूखने की, है ना। अब इस सवाल का जवाब तो है नहीं है, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसी एक बात आ गई थी तो मैंने शेयर कर दी। मौत तो आनी आनी है, मौत तो भरा गया, लेकिन ये ना कोरोना के टाइम पे हम भी दहशत से लोग ज्यादा मरे थे, मतलब लोग इलाज डॉक्टर इलाज तो कर नहीं रहे थे, एक बाजू में जिंदा लेट हुआ एक बाजू में लाश पड़ी है तो वो उसकी दहशत से बढ़ जा रहा था, पड़ोसी में खांसी हो रही है, मतलब दहशत में मेरे हिसाब से तो दहशत ज्यादा थी, लोग दहशत से ज्यादा मरे। और क्या करती हूँ, भूल गई मैं, अब याद आएगा तब बात करती हूँ। कोरोना याद आ गया आज, कोरोना है ही ऐसा बीमारी आई थी मैं जो इंसान कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता, मैं तो मरते मर जाएंगे भैया कभी नहीं भूलेंगे वो दिन। कितने सारे लोग हैं अलग, इतने सारे लोगों की अलग अलग डिमांड है, है? साहब करी भजिए, शाहरुख कदाई खिचड़ी चटनी और रायता है, और पापा के लिए तोरई रोटी, मतलब जितने लोग उतनी सारी फरमाइश है। कल कह रही है मैं कल बना दूंगा पक्का, है साहबों को ना भजिए खाने, देखा अपना सुंदर चेहरा दिखा दे साहबों को भजिए, आलू आलू पत्ते और आलू आलू पत्ते प्याज, पत्ते मतलब पालक के पत्ते और प्याज के भजी बनाने हैं। अम्मी के घर से वापस आ गई थी, वापस अपने किचन में लग गई थी, मैं सालन बना के गई थी, आज मैंने कोरमा बनाया है और रोटी बनानी थी मुझे, तो बस वही आटा वाटा तो मैं लगा के गई थी, मैंने सोचा था अम्मी के घर बैठ के थोड़ा देर बात करके वापस आके खाना बना लूँगी, लेकिन अम्मी के घर पे गई थी, अम्मी खिचड़ी बना रही थी, बोल भी रही थी तो खाना खा के जाना, मैं कि नहीं अम्मी घर जा रही हूँ, सच्ची बता रही हूँ फ्रेंड, मैं अम्मी के घर पर आप रोज़ देखते होंगे मेरे ब्लॉग में, मैं रोज़ चली जाती हूँ, कभी ऐसा होता है एक दो दिन नहीं जाती हूँ लेकिन फिर से चली जाती हूँ, क्योंकि मेरा ना वहाँ पर जाना एक मजबूरी ऐसा बन गया है, क्योंकि एक इंसान में अकेली घर पर रहती हूँ, साथ तो थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाता है, स्कूल चले जाता है, ट्यूशन जाता है, अरबी जाता है, थोड़ा बहुत अपने दोस्तों से बात भी कर लेता है वो,
मैं इतना बोर हो जाती हूँ ना इतना हद से ज़्यादा कि लगता है यार मैं क्या ही करूँ, कहाँ जाऊँ, रोज़ मार्केट नहीं जाया जाता, रोज़ मैं कहाँ किसके घर जाऊँ। तो मेरे पास तो एक ही ऑप्शन रहता है कि भाई चलो अम्मी का घर है पास में तो चलते। मैंने मुंबई भी यही सोच के छोड़ा था कि चलो मैं आगरा में रहूँगी, जब तक सोहेल दुबई में काम कर रहे हैं, जब तक उनकी जॉब वहाँ पर है तब तक मैं आगरा रहती हूँ, फिर वापस जब वो आगरा इंडिया आएंगे तो हम वापस मुंबई चले जाएंगे। लेकिन ना मेरे दिमाग में ये चीज़ अब अच्छे से हो गई, समझ गई हूँ मैं चीज़ को कि शादी के बाद एक औरत एक लड़की कहीं पर भी रह ले, जब तक उसका शौहर उसके साथ में नहीं है ना, कोई भी जगह कितनी भी खूबसूरत हो अच्छी नहीं लगती है। और एक लड़की और एक औरत अगर जब अपने शौहर के साथ में रहती है ना फ्रेंड, चाहे वो घर छोटा हो, जंगल हो, शहर हो, गांव हो, कुछ मायने नहीं रखता, लड़की का मन लग जाता है। वही मेरे साथ होता है फ्रेंड, मैं सोहेल भारत दुबई में रहते हैं, चाहे वो दिन भर में मुझे 50 बार वीडियो कॉल करते हैं, मैं क्या कर रही हूँ, खाना खाया कि नहीं खाया, जो भी अपनी दिन भर की घरेलू बातें होती हैं सारी बातें हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, वो भी अपनी बातें मुझे बताते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कमी यही रहती है कि वो यहाँ नहीं है। एक ना बस यही मैं टाइम पास करने के लिए मैं मम्मी के घर चली आती हूँ, लेकिन आधा एक घंटा जब बैठती हूँ फिर वापस से घर आती हूँ तो फिर वही अकेलापन लगता है। क्योंकि मैं भी मुंबई जब मैंने छोड़ा था ना फ्रेंड, सच बता रही हूँ मैं जानती थी वहाँ पर मैं कैसे मैंने अपने दिन गुजारे हैं, क्योंकि ना मेरा ससुराल जो है मेरे घर से थोड़ा दूर था तो मैं रोज़ उनके घर पर नहीं जा सकती थी। मेरे लिए जब बहुत बार कभी कभी ऐसा होता था बहुत मुश्किल होता था वहाँ पर जाना, क्योंकि लोकल से जाना पड़ता था। जब सोहेल मेरे साथ में रहते थे मुंबई में मुमरा में, तो वो क्या एक सेफ्टी के हिसाब से हम लोग को उतारते थे चढ़ाते थे तो टेंशन नहीं रहती थी। लेकिन मैं साथ के संग लोकल में साथ भी अभी जितना बड़ा भी है उतना बड़ा नहीं था, वो छोटा था जब सोहेल दुबई गए थे 8 साल का था, तो सोहेल को दुबई गए हुए 3 साल हो जाएंगे। तो ना मैं लोकल में चढ़ के जाना उस बच्चे को उतारना खुद उतरना बहुत मुश्किल होता था। एक बार तो फ्रेंड बता रही हूँ मैं भाई कल्ला से अपने ससुराल से मैं अपने घर के लिए बैठी मुमरा के लिए, ट्रेन में इतनी भीड़ थी ना फ्रेंड, मैं ट्रेन से उतर नहीं पाई। मैं मुमरा से एक स्टॉप दूर आगे एक दीवा करके स्टेशन है मैं वहाँ चली गई थी और वहाँ जाके मैं रो रही थी। क्यों? क्योंकि मैं उतर नहीं पाई, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मेरे लिए नामुमकिन हो गया था उतरना। फिर मैं वहीं अपने सीट पे बैठ गई थी, फिर मैं एक स्टेशन आगे चली गई वहाँ पे उतरी, वहाँ से फिर मैंने दूसरी ट्रेन पकड़ के फिर मैं अपने मुमरा स्टेशन उतरी, वहाँ से घर आई। मैं जानती हूँ मैं उस वक्त इतना अकेलापन महसूस कर रही थी, इतना रो रही थी मैं, क्योंकि अल्लाह मतलब मैं घबरा गई थी। और घबराने की बात यह रात का वक्त था, दिन का नहीं था, रात का वक्त था, रात में मैं अपने ससुराल से आ रही थी। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे वाक्य हुए हैं कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं चलो मैं बम्बई छोड़ के जब तक सोहेल दुबई में रह रहे हैं मैं यहाँ पर रहती हूँ अम्मी के घर के पास में। हालांकि यहाँ पर भी मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता है, मैं ये नहीं कह रही नहीं यहाँ पर मैं ना वैसे ही रही हूँ कि चल मुझे ना माँ बाप का घर चाहिए, मुझे मायका चाहिए, मैं थोड़ी अलग हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मेरी शादी हो गई ना, मेरी ज़िंदगी मेरा हर फैसला मेरे हंसी खुशी सोहेल के संग जुड़ी हुई है। मैं वैसी नहीं हूँ जो लड़कियाँ, बहुत सी लड़कियाँ होती हैं जिनको मायके से थोड़ा ज़्यादा लगाव होता है। मैं फ्रैंक बता रही हूँ फ्रेंड, शायद पता नहीं मेरी बातें आपको अच्छी लगे बुरी लगे, शायद ये बात आपको गलत भी लगे, मैं इतनी मायके वाली लड़की नहीं हूँ, मुझे ऐसा औरत नहीं हूँ। आप बोलो लड़की बोल रही है, मैं ऐसी नहीं हूँ कि मुझे मायका ही चाहिए। मुझे लगता है थोड़े बहुत दिन अपने माँ बाप से बात कर लो, अम्मी से एक दो दिन मिल लो, बस वापस मुझे लगता है मुझे मेरी गृहस्थी सोहेल मेरे साथ में हो, मेरा बच्चा हो, बस मुझसे इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये मेरा आज तक का ब्लॉग था फ्रेंड, बातें बहुत सारी करती रहूँगी, इंशाल्लाह आपके साथ बना रहेगा तो मैं आगे भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँगी। जब तक कि प्लीज़ आप अपने मेरे ब्लॉग देखिएगा, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप हो सुनने वाले और मैं हूँ आपको बहुत सारी बातें बताने वाली, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस अप डाउन अच्छे बुरे जैसे भी है सब शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बस आप अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। खाना खाने का वक्त हो चुका था, रोटी मैंने बनाई थी, चावल मैंने पहले ही बना लिए थे और कोरमा तो मैंने बनाया ही है, बस दस्तरखान लगा लिया था। तो साथ को बोल रही थी तो पानी की बोतल लेके आया, तो वो कब बार बार मतलब अपनी बोतल निकाल रहा था स्कूल की, तो ये पानी लेने के लिए गया था साथ में और मैं खाना खाने के लिए बैठ गई थी। बस यही है फ्रेंड, बस मजबूरी समझ लो या जो भी समझ लो, जो मेरे लाइफ के दिन गुजर रहे हैं, वैसे अल्लाह का शुक्र हर चीज़ के लिए। बस एक अकेलापन है, जो अकेलापन जब सोहेल आ जाएंगे वही पूरा करेंगे इसको। बस यही दुआ है कि जब तक ये दिन 5-6 महीने जो भी मेरी ज़िंदगी के गुजर रहे हैं अच्छे से गुजर जाएँ, ताकि वो सोहेल आ जाए, हम वापस अपने शहर अपने घर मुंबई वापस लौट जाएं। क्योंकि मुझे आगरा में रहना अच्छा नहीं लगता है, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं वैसी नहीं हूँ कि मुझे मायका ही चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा घर परिवार चाहिए, मेरे हस्बैंड चाहिए, मेरा बच्चा, मेरी गृहस्थी, मेरी किचन, मुझे बस इन चीज़ों से लगाव है। मुझे घूमना फिरना, मुझे शादी के बाद से मुझे किसी के साथ अच्छा नहीं लगता फ्रेंड। अब मैं आप देखते हो मैं अपनी अम्मी के संग कहीं पर भी जाती हूँ, वो सिर्फ एक मजबूरी समझ लो कि मैं किसके संग जाऊँ, लेकिन मुझे सोहेल और साथ के अलावा दुनिया में मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं चाहिए। एक माँ बाप हैं
जो हमेशा अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, उनका साथ साया मेरे सर पे बना रहे, और उनकी हिम्मत से मैं आगरा आकर रह रही हूँ। बस मेरे माँ बाप को सलामत रखे अल्लाह।